कि जे जे फल मिले ही तो है तीर्थन में जाए से, जे जे फल मिले तो है तीर्थन में जाए से, ते ते फल मिले एक हरि गुण गाए से। दो बार द्वारिका धाम, तीन बार त्रिवेणी, चार बार फल जो मिले चार धाम जाए से। लेकिन यहां कुछ संतों ने इसका खंडन कर दिया है कि अगर हरि कीर्तन करते समय आपका मन, मस्तिष्क, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां एकाग्र नहीं है, विचारों की गति शून्य नहीं है, जिह्वा से हरि नाम उच्चारण नहीं है, नेत्रों से हरि दर्शन की अभिलाषा नहीं है, इन हाथों से मधुर करतल नहीं है, और यहां बैठ के ही अगर वही माया के नोट गिन रहे हो तो यह मनोरंजन के सिवाय कुछ नहीं। यहां बैठ कर के भी वही गिनोगे तो बात बिगड़ जाएगी। यहां जितनी देर बैठो उतनी देर उसी के हो जाओ। यहां पर श्रीमद् भागवत कथा के अंदर इतने समझ लें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को तेज धार की तलवार काट नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, पवन उड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती है। मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयात्म ब्रह्म परात्म ब्रह्म, वो जान लेना जरूरी है। हमें ये ज्ञान है फिर भी हम दूसरे के पीछे लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कल की बालालो में यही संकेत दिया था कि माँ की गोद में आनंद ले रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चा जब माँ की गोद में आए तो उसके नेत्रों में भय और लज्जा। भय है कि मेरी माँ कहीं मेरे कान पे मार ना दे, और वस्तु भी आवश्यक है, वो भी चाहिए। लेकिन माँ यशोदा दही बिलो रही है, माखन निकाल रही है, बात्सल्य को भूल रही है, कन्हैया को उठा के एक बाजू में रख दिया, पहले मक्खन निकाल लेने दे। कन्हैया जी ने कहा इस भौतिक वस्तु के कारण मेरी माँ मुझे दूर कर रही है। फिर बड़े भाव से कन्हैया को लिया, स्तन पान कराने लगी, इतने में चूल्हे से दूध फिर उबलने लगा, कन्हैया को साइड में रख दिया और दूध उठाने गई। कन्हैया ने कहा कि अभी से मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि इस जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के मध्य में माया आ रही है, इसलिए जब तक माया दूर नहीं होगी जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो ही नहीं। तब उन्होंने मक्खन की मटकिया फोड़ करके कौओं को खिलाया, उखल में बंध गए और अपने भक्तों का उद्धार कर दिया। यही कारण था त्याग ताप चाप यरुबेसा। भगवान राम भरत का जब मिलाप हुआ तो भगवान ने बलकन वस्त्र नीचे गिर गए थे, चाप यानी धनुष बाण नीचे रख दिया था, शरीर शीतल हो गया था। संतों ने तर्क किया कि अगर एक क्षत्रिय शस्त्र नीचे रख दे तो शरणागति होती है, तो क्या राम भरत से शरणागत हो गए? तो वहां ये बात कहा गया कि जहां प्रेम शास्त्र की भाषा हो वहां शस्त्र की जरूरत नहीं होती है। बलकन वस्त्र क्यों गिर गए? वहां कहा गया कि जब दो जीवात्माओं का मिलन हो तो वस्त्र माया का प्रतीक है, इसलिए भगवान ने माया को त्याग दिया। ब्रज में बाल लीलाएं हो रही है, नयनकासुर का उद्धार किया भगवान ने, पूतना का उद्धार किया। कल आपने सुना था पूतना, यहां थोड़ा समझदारी की बात थी। यशोदा अपने बच्चे के संरक्षण में थी, एक वात्सल्य मातृत्व के लिए उनका दायित्व था, लेकिन पूतना अपने स्वामी के लिए कृत कर रही थी, वो भी उसका दायित्व था। पूर्व समय निर्धारित प्रकृति, पूर्व समय निर्धारित योग के अनुसार भागवत में एक प्रमाण मिला कि भगवान का जब वामन अवतार हुआ था
तो ये पूतना महाराज बलि की पुत्री हुआ करती थी। उस समय उसने कहा था, काश ऐसा पुत्र हो तो मैं भी स्तनपान करूं। भगवान ने पूतना का स्तन जब पान किया तो नेत्र बंद कर लिए थे, उसके 27 प्रमाण हैं। तो कुल मिलाकर के एक चीज समझ लेना है कि शून्य से शून्य में परमात्मा है और हमारे आसपास वही है। चंद पल मधुर संकीर्तन अपनी ओर चलते हैं। मुकुंद
कोई बात नहीं, कोई बात। सम्मान तो थोड़ा रह गया, कोई नहीं, पुनः मिलेंगे, दर्शन होगा। गरिगह पुरोहित राजन यदुना सुमहातप ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः आनचार्दोक्ष जधीया प्रणिपापतुरः सरम् सूपविष्टं कृतातिथ्यं सूपवृत्यं कृतातिथ्यं गिरासूतनया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीद ब्रह्मान् पूर्णस्य करवावक्यम् गृहणाम दीन चेतसा निह श्रेयसाय भगवान कल्पते नान यथा क्वचित आस्तयल्तम कियत पिवसिम हरिणा किम विश्वमास। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। संस्कारों की बात करें 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, एक जन्म से पहले और एक शरीर छोड़ने के बाद बाकी 13 की गणना होती है। क्यों तुम्हारी बात, गर्भ में आए तो गर्भाधान संस्कार और जब ये दुनिया छोड़कर चले गए तो अंत्येष्टि संस्कार। नंद के घर आनंद है तो नामकरण संस्कार के लिए किसको बुलाया? ससुराल वालों को नहीं बुलाया। ये हमारा महाराष्ट्र में छे बालको आवे ना तो सासरवाड़ी में फोन करे आ लोग को, हमारा ढोलक वाला है ना, ये फोन करे तीकरो तैलू छे एनु नाम शू राखो तिते साला अने तिनचे जे दूसरे रस्ते थे वो फोन करे टीनू मीनू। अब तो भैया नामकरण की व्यवस्था इतनी दुर्लभ हो गई है, समझ में भी नहीं आता कि लड़के का नाम है या लड़की का। हाँ, एक हमारे परिवार के हैं, वो मुंबई में मिले, हमारे निज परिवार से ही रक्त वर्ण के थे। मुंबई में रहे तो कल्चर बदल जाता है ना लोगों का। वो गए बांद्रा में, उस टाइम हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी चेतावनी भजनों की टी सीरीज के लिए, और बड़ा फेमस रहा है वो गीत मेरा, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाओ डर लागे मोरे राम भला कैसे बिठाऊ अपनी नाव में। ये मेरा रिकॉर्डिंग था के साउंड में। शाम को हमारे साथ ही निकल गए तो मैं जलोटा दादा हम रविंद्र जैन को दादा बोलते थे, गए तो परिचय करा दिया। भाई साहब ने टी शर्ट खरीदना चालू किया, मैंने भैया ये क्या कर रहे हो, बोले 2-in-1 है ना। मतलब नहीं समझे, बोले कभी मैं पहन लूंगा
अभी आपकी भाभी माँ इसलिए ऐसा टी शर्ट खरीद रहा हूँ, जमाना बदल गया। पुत्र का नाम हमारे पूर्वज भगवान के नाम से क्यों रखते थे भी रहस्य है। पूर्व समय में देखेंगे राधे श्याम, सीताराम, गोपाल, रामदास, रघुमणि, ऐसे नाम होते थे। उसका कारण होता था कि जीवात्मा जब अंत समय में जाने वाली होती है तो सबसे ज्यादा इसकी आसक्ति पुत्र के मोह में होती है, और उस अंत की गति में पुत्र के नाम को संबोधित करते हुए भी अगर उसने मेरा राम मेरा राम मेरा राम मेरा राम कहा तो उसे मुक्ति मिल जाती थी। अब टीनू मीनू से मुक्ति होगी? हमारे बच्चे का नाम भी हमें बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए, इसीलिए नामकरण संस्कार है। राम जी के भाई का जब जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ तो वहां पर हुआ है ना कि जाकर नाम रिपुरन जीत सुयस सुरगावत, सीता को लेकर भगवान राम आए, रिपुरन जीत शत्रु को मार के सुयस प्रभु गावत, हनुमान जी पहले पहुंच गए है ना, क्योंकि भरत मरने वाले थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि आज अगर प्रभु नहीं आए तो मैं आत्मदाह करूंगा। उन्होंने बिफोर यानी पहले आकर कह दिया कि रिपुरन जीत सुयस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, और नामकरण कहा गया तो नाम शत्रुहन वेद प्रकाश, इनका नाम शत्रुहन है, ये वेद का प्रकाश करेंगे, इनके स्मरण मात्र से जाके सुमिरन ते रिपुनासा। नाम का बड़ा असर है।